नतीजों तिमाही नतीजों का एक मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में तीसरी तिमाही में आनंद राठी के नतीजे जो आए हैं वो अच्छे रहे हैं। आय में लगभग 32% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मुनाफे की बात करें 34% का उछाल यहाँ पर दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। AUM में 43% की बढ़त भी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं, आने वाली तिमाहियों में क्या ग्रोथ आउटलुक है। चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी जुड़ गए हैं। राठी साहब स्वागत है आपका और मुबारकबाद ढेरों इतने अच्छे नंबर्स के लिए। पिछली बार जब आपने हमें ज्वाइन किया था तो AUM गाइडेंस जो है 51,000 करोड़ रुपए की FY24 की आपने कही थी। आपने अपने गाइडेंस को यहाँ पर बीट करने उसको मात देने में कामयाबी हासिल की है और 55,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो आपने छुआ है। अब हम जानना चाहते हैं सबसे पहले कि आपका अगला टारगेट क्या है। देखिए डेफिनेटली हमने टारगेट शुरुआत अगर हमने की थी तो 47,000 करोड़ से की थी, फिर लास्ट क्वार्टर के बाद हमने उसको 51,000 करोड़ रिवाइज किए, अभी वो 55,000 करोड़ हो गया है। हमको लगा है कि भाई इस साल के जाते जाते डेफिनेटली, देखिए मार्केट के ऊपर बहुत AUM डिपेंडेंट है, इसलिए डिपेंडिंग ऑन द मार्केट तो हम समझते हैं भाई एनीवेयर बिटवीन 57,000 to 60,000 हम लोग जो है AUM जा सकती है। मार्केट अगर देखिए, हमारा दो कारण से बढ़ता है, एक तो मार्केट जब चेंज होता है, दूसरा हम जो नया पैसा लाते हैं। तो इस बार जो काफ़ी बढ़ोतरी हुई उसमें जो न्यू इनफ्लो आया है उसका बहुत रोल है। अगर आपने देखा कि नया इनफ्लो भी हमारा 5,400 करोड़ का नया इनफ्लो हो गया इस साल में, जो पिछले साल के मुकाबले 40-42% से ऊपर है। बिल्कुल सर, आप जरा हम AUM के अगर इस पूरी ग्रोथ को देखें तो उसे आप मार्केट के मोमेंटम में कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं और कितना ऑर्गेनिक है ये? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट जो है 5,400 करोड़ का नया पैसा आया है, बाकी जो ग्रोथ आई है वो डेफिनेटली मार्केट के कारण आई है। तो चूंकि मार्केट अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है अभी जो है, तो उसी लेवल पे समझना चाहिए कि आज मार्केट हाई लेवल पे ही ये ग्रोथ नजर आ रही है। जाके अगर मार्केट अच्छा चलता रहा तो जैसे मैंने बताया 57,000 करोड़ से 60,000 करोड़ के बीच में जाए, क्योंकि इतना तो हम नया पैसा जो है अभी हर महीने करीब हम 800 से 1,000 करोड़ रुपया नया आता है, तो 2,500-3,000 करोड़ तो उसके कारण बढ़ेगा। अगर मार्केट यही रहा, मार्केट ऊपर गया तो 60,000 करोड़ भी हम जा सकते। राठी साहब, पैट के गाइडेंस को लेकर हम बात करना चाहते हैं। यहाँ पर जो पैट का गाइडेंस है उसमें बढ़ोतरी की गई 224 करोड़ और रेवेन्यू गाइडेंस देखें तो 720 करोड़ FY24 के लिए कहा गया, अब इसको आप रिवाइज करना चाहते हैं? नहीं, रिवीजन तो नहीं करें, क्यों, पिछले क्वार्टर में इनमें रिवाइज की थी और फॉर्चुनेटली ये भी क्वार्टर बहुत अच्छा रहा, तो अभी पहले पर हमने 660 से 720 करोड़ की रिवाइज की थी रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू का करीब हमारा 77% हमारा हो चुका है, और क्योंकि देखिए हर क्वार्टर और हर महीना एक तरीके का नहीं होता है तो हम गाइडेंस तो नहीं बदलेंगे, पर ये जरूर मेरे को लगता है कि जो हमने दिया टारगेट वो ये उससे आगे ही बढ़ेगा, उससे ऊपर रहने की पूरी हमको उम्मीद है। बिल्कुल, एक चीज़ और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके जो प्राइवेट वर्टिकल हेल्थ वर्टिकल में अगर हम क्लाइंट एडिशन की बात करें तो ये अच्छी कही जाएगी, 18% की वृद्धि यहाँ पर नज़र आई है। अब आगे जो है वो क्लाइंट एक्विजिशन की क्या आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है और क्या आप नए ज्योग्राफीज को भी टारगेट कर रहे हैं? देखिए नया क्लाइंट एडिशन एक हमारा मुख्य फोकस रहता है, और जैसे आपने देखा इस साल में हमारा करीब 18% बढ़ के 9,600 के आसपास क्लाइंट हो गया है, और जल्दी ये आंकड़ा इस मार्च के पहले पहले हम 10,000 के आंकड़ों को पार कर जाएंगे क्लाइंट के मामले में। हमारे फोकस ये रहता है कि क्लाइंट हर साल कम से कम जो है 1,200 से 1,800 बीच में नए क्लाइंट हम अक्वायर करें, और रीजनल जो आपने बताया कि रीजनल भी जो है हमने चंडीगढ़ अभी पीछे नया खोला है, अभी हम वन टॉप टायर मेट्रो सिटीज में हम ऑलरेडी प्रेजेंट हैं,
अब टू टायर सिटीज की हम प्लानिंग कर रहे हैं, नागपुर हम जैसे प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे हमारे एक बात को बताऊं कि हमारे आरएम का कोई एरिया रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो बिजनेस जहां चाहे कर सकते हैं, तो इसलिए एक तरह से हमारी प्रेजेंस तो हर टाउन में मिलेगी, परंतु फिजिकल प्रेजेंस जो है धीरे धीरे करके हम टू टायर सिटीज जो हैं उसके अगले हर साल हमारी इच्छा है कि भाई 6 से 8 नई जगह हम हमारी ब्रांचेस फिजिकल करें और धीरे धीरे करके, क्योंकि वेल्थ अब सब जगह और बहुत स्कोप है छोटी जगह में, जैसे जोधपुर हमने चालू किया बहुत अच्छा कर रहा है, तो इस तरह उदयपुर का आगे सोच रहे हैं, तो हर जगह अहमदाबाद हमने नया जैसे चालू किया है, अहमदाबाद के बाद हमारे सूरत और राजकोट एक नए टारगेट रहेंगे। तो इसमें डिपेंडेंट ये रहता है कि हमारे को किस तरह के हमारे इंटरनल आदमी अवेलेबल हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जब भी नई जगह जाएं तो हमारा कोई एक तो पहले का ट्रेंड आदमी हो उसको भेज के चालू करें, या फिर बाहर से कोई बहुत अच्छा आदमी मिले तो उसको भी देख सकते। चलिए, तो यहाँ पर अपनी शाखाएं आप बढ़ा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं और Tier 2, Tier 3 जैसे शहरों में भी आपका फोकस है। क्लाइंट्स के अलावा अगर मैं निवेशकों के लिहाज से समझना चाहूँ तो ये बताएं कि बाजार की इस चाल को देखकर निवेशकों में किस तरह का सेंटिमेंट है, किस तरह की सोच है, क्या मुनाफा वसूली करने के लिए वो अब आगे बढ़ रहे हैं, बाजार की दशा और दिशा को देखते हुए निवेशकों की नब्ज अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि आप इतना विस्तार कर रहे हैं तो आप जब रूबरू होते हैं तो क्या नब समझ में आ रही है, क्या पल्स समझ में आ रही है, क्या सेंटिमेंट समझ में आ रहा है निवेशकों का? देखिए, जहां तक SIP होता, आप भी देख रहे हैं हर महीने SIP का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अभी 17,000 करोड़ से ऊपर हो गया है और ये आंकड़ा तो बढ़ेगा। जो बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं, जब मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो उनका मन करता है कि बेच दें। हम लोगों की फिलोसफी के इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि हमने पिछले 1 साल में 9 महीने में इतना नया पैसा जुटाया इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जबकि अगर ओवरऑल अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड का आप अगर देखें तो अगर SIP को निकाल दें तो नया फंड आने के बजाय फंड कम हुआ है, न्यू इनफ्लो नहीं हुआ है, परंतु हम लोगों की चूंकि एक फिलॉसफी है और उस चूंकि हमारे कस्टमर्स ने अच्छा रिटर्न पहले से कमाया है तो हमारी बात मानते हुए अभी भी हम जो है अच्छे मार्केट में भी हम नया इक्विटी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो नया इन्वेस्टर आता है वो 4-6 महीने के लिए नहीं आता है, 1 साल के लिए नहीं आता है। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर जो 5 साल के लिए आता है, 10 साल के लिए आता है, उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर है कि नीचे, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट चलता रहेगा। आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज आउट हो जाएगा और 5-10 साल में जाके आपको रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड लेवल पे मिल जाएगा। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला और नतीजों पर विस्तार से आज हमसे, हमारे दर्शकों से आपने बातचीत की। चलिए, झटपट एक बार आनंद राठी पर हम हमारे एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं। अमोल, आपके पास आऊंगी, बताएं टेक्निकल चार्ट्स पर अगर छोटी अवधि का किसी को कोई इनिशिएट करना हो ट्रेड तो क्या मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नतीजे तो काफी अच्छे आए हैं, आपकी राय नतीजों पर भी। आई थिंक मेरा व्यू तो अभी न्यूट्रल है उसके ऊपर, बट एक 2580s के आसपास एक सपोर्ट दिख के आ रहा है चार्ट पे, वेयर एज 2880 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख के आ रहा है स्टॉक पे।